देखिए माई सेल्फ सीएस प्रीति मलिक सिंह एंड बाई क्वालिफिकेशन आई एम कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज एल एल बी एंड एम कॉम लास्ट टेन ईयर्स आई एम एमंडल्स इन द टीचिंग प्रोफेशन और आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज क्रक्स एक्सपर्ट आज मैं आपको कोई सेशन या कोई क्लास लेने नहीं आई आज एक गाइडेंस एक मोटिवेशन क्लास है हाउ टू स्टडी ट्वेल्व अवर्स डेली देखिए अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करें एग्जीक्यूटिव की बात करें फाउंडेशन की बात करें या किसी की भी बात करें तो अब आपको एक दिन में 12 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए मैम 12 घंटे इट्स वेरी टफ टास्क टू मैनेज द एंटायर ट्वेल्व अवर्स इन अ डे बहुत मुश्किल है ये देखिए जैसे आपने बोला ना बहुत मुश्किल है आपने अपने आप को एक्सक्यूज दे दिया और जो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना वो बस अपने आप को ये शो करते हैं कि मैं सेफ जोन में हूं और वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते वो सिर्फ अपना बिगाड़ते हैं वो किसी का पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ आपके अपने अपनी, अपनी कैरियर पे फर्क पड़ता है आपने कोर्स ज्वाइन किया एक बात बताइए अगर आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए आपके फोर्टी परसेंट आए आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया फिर आपके फोर्टी फाइव परसेंट आए फिर आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया देन आपके फिफ्टी परसेंट आए आप कर क्या रहे हो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप अपने जीवन को खुद बर्बाद कर रहे हो जो मेहनत आपको एक बार करनी चाहिए वो तीन बारी में कर रहे हो और तीन बारी का मतलब समझते हो मेंटली प्रेशर आ जाता है अपने आप से एक अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कम से कम अपना हंड्रेड परसेंट तो दीजिए ये कौन से एक्सक्यूज है कि मुझसे बारह घंटे पढ़ा नहीं जाता है और बारह घंटे पढ़ा नहीं जाता है तो आपने कोर्स ज्वाइन क्यों किया आपको पता है कि ये कोर्स इतना आसान नहीं है इसके लिए रेगुलर स्टडी चाहिए इसके लिए रेगुलर टाइम टेबल चाहिए इसके लिए इफेक्टिव स्टडी चाहिए तो फिर क्यों आप इसमें गए और अगर आप गए हो तो ऐसी कोई चीज है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है इंसान चांद पे पहुंच सकता है आप ये कोर्स नहीं कर सकते इंसान इतने बड़े बड़े कोर्स ये मानते हैं सिलेबस टफ है लेकिन किसके लिए टफ है जो पढ़ता नहीं है लेकिन जो पढ़ते हैं उसके लिए क्या टफ है आप मुझे ये बताइए हालांकि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही हूं मुझे पोलाइट होना चाहिए बट जरूरी है आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो कर क्या रहे हो 24 घंटे में से मुझे नहीं लगता आप 6 घंटे से ज्यादा सोते होंगे आजकल के बच्चे 6 घंटे से ज्यादा सोने के लिए उनके पास टाइम है ही नहीं सोते हुए तो वो सीधा फोन चलाते हैं और से चार घंटे फोन पे निकाल देते हैं मैं ये नहीं कह रही आप फोन चलाना बंद कर दीजिए लेकिन हर चीज का एक समय निर्धारित समय होना चाहिए लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है कठोर नियम नहीं है तो जीवन आसान नहीं होगा जीवन आसान चाहिए तो नियम भी कठोर होने चाहिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने चाहिए अपने आप को पनिशमेंट दीजिए ऐसा फोन क्या आपको क्या लाके दे देगा वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा ध्यान रखना फोन के पीछे एक, चिट लगा लो कि ठीक है हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है जब अनलिमिटेड हो जाती है ना तो आपको उसका एडिक्शन हो जाता है तो आप एडिक्शन होने क्यों दे रहे हो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और तो अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो आप किसी को कंट्रोल क्या कर पाओगे आप लाइफ में कर क्या पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे एक मिडिल क्लास जो है ना उसी में रह जाओगे एक निश क्लास फैमिली में जाना है एक रिच क्लास बनना है पैसे कमाने है नाम कमाना है शहरत कमानी है दौलत कमानी है तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं होते एक्सक्यूज उनके लिए होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हमेशा ध्यान रखना एक्सक्यूज हमेशा वही व्यक्ति देगा कि मैं बीमार था मेरी मे, मेरे को माहौल नहीं मिला मेरे साथ ये दिक्कत हुई मेरे साथ वो दिक्कत हुई जिसे लाइफ में आगे बढ़ना होता है वो एक्सक्यूज का सहारा नहीं लेता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहाना साइटिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहाना साइटिस इसे छोड़िए प्लीज जितनी जल्दी से छोड़ोगे उतनी जल्दी सेफ जोन से बाहर आओगे ये हमारा माइंड है ना हमेशा सेफ जोन में ले जाता है हमें इसे बाहर निकालना है तो 12 घंटे पढ़ना अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो मुझसे नहीं पढ़ा जाता तो तुमसे होता क्या है करते क्या हो तुम 12 घंटे कुछ तो करते ही होंगे ना 12 घंटे सोते तो हो नहीं आठ घंटे सो लिए चार घंटे आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाली और अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे कितना अच्छा टाइम आपको मिला कितना क्रूशियल टाइम चल रहा है इस टाइम में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो ऐसा कौन सा काम कर रहे हो कि आप अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो यही तो आपको नाम देगी यही तो आपको शौहरत देगी यही तो आपको दौलत देगी और इसी के साथ आप अन्याय कर रहे हो और इसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सब कुछ दे इससे अगर आपको सब कुछ चाहिए मुझे अगर अपने प्रोफेशन से सब कुछ चाहिए तो मुझे उससे टाइम देना पड़ेगा मुझे एक्सक्यूज छोड़ने पड़ेंगे मुझे बहानने छोड़ने पड़ेंगे आज मुझे सीएस क्वालिफाई करे हुए इतने साल हो गए हैं लेकिन स्टिल आई एम आई एम कॉन्टिन्यूस डूइंग अवर वर्क हमेशा नेक्स्ट नि, प्लान्स में तैयार रखती हूं कि अब मुझे ये टारगेट अचीव करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है नींद नहीं आती अगर हमारे टारगेट अचीव ना हो ये होता है मोटिवेशन जब तक मोटिवेशन नहीं होगा जब तक आपकी कोई टारगेट्स ही नहीं होंगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते आप अपने कोर्स के लिए अगर समर्पित नहीं हो तो कोर्स आपको क्या देगा फेलियर्स इफ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन अ सिंगल अटेम्प्ट एटलीस्ट गिव योर ट्वेल्व अवर्स स्टडी टाइम कैसे पढ़ना है वो मैं बताती हूं फॉलो करेक्ट स्टडी टाइम टेबल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फॉलो करेक्ट स्टडी टाइम टेबल आजकल सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है ये सो के जगना दस बजे दिन की शुरुआत बारह बजे रात की अंत दो बजे एकदम बकवास टाइम टेबल बकवास क्यों बकवास मैं इसे कह रही हूं क्यों एकदम ऐसे मैं बोल रही हूं क्यों इतना स्ट्रिक्टली बोल रही हूं हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे लगे तो लग जाए पहली बात आपकी हेल्थ इफेक्ट लेट नाइट सोने से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है पहला सुख निरोगी काया आज पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी लाइफ के लिए अच्छी लाइफ होगी अच्छी हेल्थ होगी अच्छी हेल्थ नहीं होगी अच्छी लाइफ नहीं होगी खाली पैसे ही सब कुछ नहीं होता तो पहले प्रॉपर करेक्ट टाइम स्टडी स्टडी टाइम आपका सही होना चाहिए वो कैसे हो सकता है थोड़ा सा मैं उसके ऊपर चर्चा करती हूं देखिए जैसे कि जनरली बच्चे क्या कर रहे हैं कि सुबह जगते हैं नौ बजे दस बजे एकदम गलत है आपको जगना होगा एटलीस्ट कम से कम पांच बजे तो जगना ही होगा बहुत ज्यादा नहीं बोल रही छे बजे इतनी धूप होती है इस समय इन दिनों इतनी धूप निकल जाती है ऐसा लगता है दोपहर हो रही है और अगर धूप के बाद आप जग रहे हो और धूप आपको जगा रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप आपकी कुदरत भी आपकी कायनात भी आपको साथ देगी सो रहे हो आप जब पढ़ने का टाइम है जब कर्म करने का टाइम है जब कुछ अचीव करने का टाइम है उस समय आप सो रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे पास ऑडियो मेरे पास बीएमडब्लू हर कोई अमीर बनना चाह रहा है बताओ कौन नहीं चाहता क्या मैं नहीं चाहती क्या आप नहीं चाहते आप चाहते हो लेकिन फिर भी सो रहे हो भाई फिर तुम्हें मिलेगा कैसे फिर तो तुम दूसरों को देख के खुश हो ना क्योंकि जो मेहनत करने का टाइम है उस समय तुमने सो के निकाल दिया पांच बजे के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए आपको बेड से कोई प्रेम नहीं होना चाहिए लड़ाई होगी जंग होगी आपकी और आपके बेड की जीत किसकी होगी डिपेंड आपके ऊपर पांच बजे जगना ही जगना है कुछ दिन मेहनत कर लो यार उसके बाद तो जिंदगी सफल है बात समझ रहे हो ना पांच बजे जगना है पांच बजे से लेके मैं मानती हूं आपका एक सिटिंग टाइम अगर आप 5:30 भी स्टार्ट कर रहे हो 5:30 भी अगर आप स्टार्ट करते हो ये जाना चाहिए आपका कम से कम साढ़े दस बजे तक पांच साढ़े पांच से साढ़े छह साढ़े छह से साढ़े सात साढ़े आठ साढ़े नौ और साढ़े दस एनालाइज योर दो सब्जेक्ट खत्म जब आप सो के जग रहे हो ना तब तक दो सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तीन सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं सुबह की पांच घंटे की पढ़ाई इज इक्वल टू टेन अवर्स ये है एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये एक सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन जो बहुत आगे निकल गए हैं और जो बहुत पीछे रह गए हैं जिसने सुबह के पांच घंटे डिस्ट्रॉय कर दिए उसके सक्सेस के रेयर चांसेस हैं मे एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एक स्टडी पांच घंटे भैया मैंने बारह घंटे कहा है पांच घंटे तो आपने सुबह होने। जब तक आप जग रहे थे तब तक आपने खत्म कर दिया और वो एक ऐसा टाइम है जब सब सो रहे आप अपना काम कर रहे हो इसे बोलते हैं बाजीगर इसे बोलते हैं जीत के जीतने की शक्ति क्षमता कि जब सो के जग रहे तब आप अपना अचीव कर चुके हो पांच घंटे आप पढ़ाई कर चुके हो करेक्ट स्टडी टाइम आप देखिए साढ़े दस बजे के बाद बारह बजे तक आप अपने लिए कोई भी टाइम निकाल सकते हो आपको जो भी आपके अपने पर्सनल वर्क है नहाना है ब्रेकफास्ट करना है यूजल जो भी है बारह बजे से लेके दो बजे तक ओनली टू आवर्स दो बजे के बाद मत पढ़िए दो बजे से लेके मैं तो कहती हूं आप चार बजे तक आप खाना खाइए आप रेस्ट करिए और नेक्स्ट आप स्टार्ट करिए ऑन एन एवरेज फोर थर्टी सेवन थर्टी तक तीन घंटे साढ़े सात तक हो गया अब साढ़े सात बजे आप अपना डिनर कर सकते हो अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे यहां डिनर दस बजे बनता है भैया वो अब आप आपकी प्रॉब्लम है आपको क्या करना है उसको मैनेज करना पड़ेगा देन एट थर्टी टेन थर्टी टू आवर्स ओवर एंड आउट तीन और दो पांच और दो सात और पांच बारह आप मुझे एक बात बताओ क्या आपने खाना नहीं खाया क्या आपने दिन में रेस्ट नहीं किया क्या आप नहाए नहीं, नहीं हो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ क्या आपका टारगेट अचीव नहीं हो ये होता है एक प्रॉपर टाइम टेबल पढ़ने बैठे जी दस बजे पढ़े दो बजे तक दस से ग्यारह ग्यारह से बारह बारह से एक, एक से दो तीन और एक चार घंटे पढ़े और लगाए सर रात के दो बजे तक पढ़े हैं जी हम सुबह उठे ग्यारह बजे स्टार्ट हुई है बारह बजे यहां पर समझ रहे हो यहां बारह बजे तक यहां क्या कर लिया आपने समझ में आ रही होगी ना बात डिवाइड टाइम इंटू सिटिंग्स ये मैंने यहां पे बताई दी आपको सिटिंग्स कैसे बनानी है अच्छा आप ये फाइंड आउट करो कि आपका टाइम सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी कंज्यूम करती है ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन क्योंकि इसमें मैं नहीं बता सकती इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करो जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल बता सकती हूं बचपन से मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है और टीवी अगर 20 मिनट से ज्यादा चलता है तो मेरे ऑटोमेटिक सरदर्द होने लगता है टीवी भी एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है

कोई ऐसी बात मत बोलो जिससे आपका स्ट्रेस हो आपका दिन खराब हो सकता है बारह घंटे खराब हो सकते हैं चॉइस करनी है फ्लाइट या फाइट आई थिंक सो ऑप्ट फ्लाइट अवॉइड फाइट ठीक है वन डे बिफोर प्लान फॉर नेक्स्ट डे ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है पता क्या है जब जैसे हमें कल पढ़ाई करनी है मान के चलिए सवेरे साढ़े पांच बजे तक आपको फर्स्ट सेटिंग लेनी है तो उसमें ना आप पहले दिन ही रात को जब सो रहे हो ना तो अपनी बुक्स निकाल के अपनी टेबल पे रख के अपनी इवन पानी की बॉटल रख के अपने गिलास रख के सब कुछ अपने टेबल पे रख के मुझे कल ये टारगेट अचीव करना है मॉर्निंग में इस टाइम ये पढ़ना है प्लानिंग पहले दिन कर लो यानी सुबह जगे हो अब सोचो आप क्या अब क्या पढ़ू अब क्या पढ़ू अब क्या पढ़ू पूरा दिन फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है सुबह आपका प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूशन होना चाहिए डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ठीक है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए तो ये हो गया आपका वन डे बिफोर प्लान फॉर नेक्स्ट डे आप इसे फॉलो करिए आप इसे फॉलो करिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए इफ यू हैव वर्थ टू ज्वाइन सीएस यू हैव वर्थ टू फिनिश सीएस जो पास होते हैं और जो फेल होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता अंतर होता है सिर्फ और सिर्फ माइंड को डायरेक्शन का मन के हारे हारे और मन के जीते जीत हे प्राणी तू मन से जीत जीत मन से होगी तन से नहीं होगी मन को जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे वैसी होगा मेरे को अगर क्लास लेनी है तो लेनी है पढ़ाना है तो पढ़ाना है पढ़ना है तो पढ़ना है, तो है। टारगेट अचीव करने हैं तो करने है कौन जानता है जिंदगी में कौन आया कौन चला गया कम से कम एक अच्छी जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उद्देश्यहीन जीवन इज इक्वल टू पशु समान उद्देश्य के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं है जीवन का आनंद उठाना है तो उद्देश्य देखिए बड़े बड़े सपने देखिए बड़े ड्रीम्स होने चाहिए बड़ी आपकी अपने प्रति एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बड़ा सपना देखना कोई मना नहीं करता लेकिन उसके लिए आपके प्रयास भी बड़े होने चाहिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कोई उम्र नहीं होती और पढ़ने की या काम करने की आप यही सोचो मैं अभी छोटी एज है या मेरी बड़ी एज है एज कुछ भी नहीं होती इफेक्टिव पढ़ाई इफेक्टिव काम कभी भी शुरू हो सकता है कैसे भी हो सकता है तो मैंने कहा एक चीज आप अवॉइड करना शुरू करिए दैट इज बहाना साइटिस मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया मैं उस नहीं पढ़ पाया मेरे साथ ये दिक्कत थी मेरे साथ फिजिकल प्रॉब्लम थी मेरे साथ फिटनेस प्रॉब्लम थी मेरा दिमाग में ऐसा था मेरे घर में इशू था देर आर लॉट मोर बहानाज आर देयर वो बहाने अवॉइड करके इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो कि पढ़ाई कैसे हो सकती है हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में जितने बड़े उद्देश्य होते हैं प्रॉब्लम उतनी बड़ी आती है भगवान आपका इम्तिहान लेगा जब भी आपको कभी सक्सेस मिलेगी सक्सेस मिलने से पहले आपके बड़े बड़े एग्जाम होंगे और एग्जाम पास करोगे तो ही सक्सेस की ओर बढ़ोगे नहीं तो क्विट कर जाओगे मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर सही घुम रहा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी लेकिन मंजिल के लिए प्रयास जरूरी है तो आप ये बहाना साइटिस की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए आर लॉट मोर बहाना सबके पास बहाने होते हैं मेरे पास भी बहाना हो सकता है मेरे पास भी बहाने हो सकते हैं बट मैं कभी उस चीज में फो, फोकस नहीं करती मैं ये देखती हूं कि मुझे काम कब करना है और कैसे करना है और करना है तो करना है करना है तो करना है ये चीज होना बहुत जरूरी है आई थिंक सो पैशन होना बहुत जरूरी है अपने काम के प्रति अपने प्रोफेशन के प्रति अपने कोर्स के प्रति तभी आप सक्सेस हो सकते हो बहुत यंग एज में बहुत कम एज में मैंने सीएस अगर क्वालिफाई किया ड्यू टू द पैशन ओनली ड्यू टू द पैशन एंड नाउ आई एम कंप्लीटली डेडिकेटेड टू अवर प्रोफेशन आर यू गोट द पॉइंट थैंक यू हैव अ नाइस डे अगर आपको ये क्लास आपको ये सेशन आपको ये गाइडेंस वीडियो अगर अच्छी लगी इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वीडियो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ इतने लंबे दौर से मैं फैकल्टी एज ए लॉ में टीचिंग कर रही हूं सीएस के बच्चों से जुड़ी हुई हूं तो अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर करती रहूंगी और आपके साथ नई नई स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आऊंगी तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमारे चैनल का नाम है सीएस प्रीति सिंह क्लासेस और न्यूमरस क्लासेस एन्जॉय करिए थैंक यू अ नाइस डे पढ़ते रहिए अपने अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिए थैंक यू अ नाइस डे